अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सा शादियों वाला चिकन कोरमा, जो इसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्राई की हुई प्याज, ब्राउन करके हम इसको रख लेंगे और फिर इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, दही के साथ ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर में मैंने डाल दिया है दही। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं फ्राई की हुई प्याज। ये देखें, फ्राई किया हुआ प्याज चला गया इसके अंदर। अब मैं साथ ही साथ इसमें सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ और मैंने सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक के बाद इसमें जा रही है लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें चली गई हल्दी। हल्दी के बाद इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर और फिर मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ले आऊंगी। ये देखिए पेस्ट बिल्कुल तैयार है। एक पैन में मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा ऑयल। अगर आप इसको घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, बादियान का फूल और सफेद जीरा शामिल है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी कि गरम मसाले की खुशबू आ जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। फिर मैंने इसमें शामिल कर दी है चिकन और चिकन को मैं इतना फ्राई करूंगी कि उसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए और मसाले की खुशबू उसमें भी रच बस जाए। ये देखिए चिकन का कलर जो है वो अब चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ब्लेंड की हुई पेस्ट, जो मैंने दही और प्याज को ब्लेंड करके बनाई थी। इसको अब इतनी देर पकाना है कि मसाला हल्का सा भुन जाए और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी। ये देखिए पानी इसमें ऐड करके इसको मैं कवर करके पकाऊंगी, ताकि इतना पकाऊंगी कि चिकन गल जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। चिकन भी तकरीबन तैयार होने वाला है। यहाँ पर मैंने लंबी लंबी काट कर अदरक रख ली है और एक मसाला पीस लिया है और इस मसाले में शामिल है छोटी इलायची, जायफल और जावित्री। ये मसाला मैं चिकन में शामिल कर दूंगी, यही इस कोरमे की असल जान है और इसी से इसका सारा टेस्ट बनेगा। इसको मिक्स करके अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी और इसको भूनूंगी यहाँ तक कि चिकन बिल्कुल गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखें चिकन अब तैयारी पर है, कोरमा भी पक रहा है और ऑयल ऊपर आ रहा है। कोरमे की रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है, इसको जरूर अपने घरों में आप ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं डलते जो आपके घरों में आराम से अवेलेबल ना हो। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि ये ज्यादा शोरबे वाला नहीं होता। तो मैं बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको सिर्फ कुछ देर के लिए बॉईल आने तक पकाऊंगी और फिर इसमें मैंने शामिल कर दी है वे लंबी कटी हुई अदरक और इसको मैं फिर डिश आउट कर लूंगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।